After all, welcome back to my channel, my hair blog. आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक नई वीडियो टू हाउ टू लुक नेचुरली फ्लॉलेस एंड फेस वगैरह जो कैसे सही से बेस बनाते हैं और सब कुछ. और मैंने अपना चेहरा मॉइस्चराइज कर लिया है और मैं एल्फ का जो ग्लो लोशन है मैंने ये भी यूज़ कर लिया है. मोस्टली फेस पे मैंने यही लगाया है और अपने पोर एरियाज पे लगाया है ये एल्फ का पोर प्राइमर, सो ताकि प्राइमर जो है अच्छे से कवर हो जाए और कुछ भी नज़र ना आए, बिल्कुल स्मूथ हमारी हो. अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये लोरियल का इनफॉलेबल फ्रेश फाउंडेशन शेड नंबर 460. दिस फाउंडेशन इज़ लाइक रियली नाइस एंड लाइट और बहुत अच्छा इसका ऑलमोस्ट मेरे चेहरे पे फुल कवरेज आता है. और बट इट्स लाइक द शेड इज़ रियली गुड एंड फील इज़ लाइक रियली रियली लाइट. फील जो है इसकी बहुत हल्की फील होती है और बहुत अच्छा बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है बिल्कुल ईजीली. लोरियल के और मेबलिन की फाउंडेशन जो है बहुत ही अच्छी होते हैं और बहुत स्मूथली आपके चेहरे पे जो है ब्लेंड हो जाते हैं. आप देख सकते हैं मैंने इतना ज़्यादा नहीं लगाया है, बिल्कुल थोड़ा लगाया है, लाइक अ वन पम्प. और आप देख सकते हैं मेरा होल फेस कवर हो चुका है और आप देख सकते हैं मेरे पोर्स वगैरह भी बिल्कुल कवर हो चुके हैं, विच इज़ रियली रियली गुड. अब मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस का कंसीलर. मैं कंसीलर जो है पहले बहुत ज़्यादा लगाती थी लेकिन अब मैंने बिल्कुल कम लगाना शुरू कर दिया है बिकॉज लेस इज़ मोर. तो कोशिश करेंगे जब कंसीलर आप अंडर आइज़ पे लगाएं तो बिल्कुल लाइटली लगाएं, जिस तरह के हम पहले लगाते थे पूरा वी करके. सो डोंट डू दैट एनी मोर. मैं बिल्कुल लाइटली इस तरह से कंसीलर लगाती हूँ और उसको सब जगह अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ. तो इससे क्या होता है कि आपकी जो है डार्क सर्कल्स भी कवर हो जाते हैं और आप केकी भी नहीं लगते कि टू मच मेकअप आपने लगाया है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता. अभी आप देख सकते हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने फाउंडेशन पे अपने चेहरे पे फाउंडेशन और कंसीलर कुछ लगाया ही नहीं है और दिस इज़ हाउ माई फेस लुक्स नेचुरली. तो आपका जो है नेचुरली फ्लॉलेस जो है वो इसी तरह होना है कि आपने कम लगाना है लेकिन फुल कवरेज लगाना है ताकि आपका चेहरा जो है अच्छा लगे. मैंने अपनी आईब्रोज जो है ऑफ द कैमरा कर ली है क्योंकि यू नो आईब्रोज टेक्स लाइक लॉन्ग टाइम और हमेशा मेरी आईब्रोज ख़राब हो जाती हैं. तो आई रियली हैव टू पे लाइक रियली क्लोज अटेंशन कि मैं ठीक से करूं, लेकिन ये है कि राइट वाली हमेशा मेरी सही बनती है परफेक्ट और लेफ्ट वाली जो है जस्ट लाइक यू नो माय स्टेप डॉटर. और अब मैं जो है सिर्फ हल्के से जो आवर ग्लास का ये एम्बियंट लाइटिंग पाउडर है बिल्कुल हल्के हल्के से अपने अंडर आई सेट कर लूँगी लाइट पाउडर से, क्योंकि मेरी स्किन जो है काफ़ी ऑयली भी है, ड्राई भी है, लाइक मिक्स कॉम्बिनेशन स्किन है. तो इसीलिए मुझे सेट करना पड़ता है वरना ऑयल्स जो है बहुत ज़्यादा चेहरे पर आ जाते हैं. तो बिल्कुल लाइटली जो है ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है, मैं इसको अंडर आईज में अपने सेट कर लूँगी और होल फेस भी मैं अपना सेट करूँगी लाइटली विद द पाउडर. और मैं यूज़ कर रही हूँ लोरा मर्सिये का पाउडर विच इज़ ट्रांसलूसेंट एज वेल. इसमें कोई कलर नहीं है, जस्ट लाइक बिल्कुल लाइटली जो है थोड़ा सा लेकर और पूरे चेहरे पे मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी ताकि जो है हमारा चेहरा जो है आराम से बिल्कुल सेट हो जाए और कुछ ग्लो और जब हम अगर स्किन को टच वगैरह करें तो हमारे चेहरे से कुछ ना हटे. और ये लाइटली जो है एस्टी लॉडर का जो पाउडर है मैं ये यूज़ करूँगी दोनों को मिक्स करके लाइक रियली रियली लाइट और पूरे चेहरे पे लगा दूँगी ताकि जो है हमारी जो है स्किन ऐसा लगे जैसे कि ग्लो फ्रॉम विदिन हो रही है और हम अंदर से ग्लो कर रहे हैं और अंदर से हमारी खूबसूरती है और नूर निकल बाहर आ रहा है. वहाँ से हमने अपने फेस को सेट करना है. अब हम लगाएंगे ब्लश, हाइलाइटर एंड ब्रॉन्जर. तो हम यूज़ करेंगे ब्रॉन्जर दिस वन लाइटली ऑन द साइड्स. इस तरह से बिल्कुल आपने लगाना है, आपने लगाना है तो लगाएं, बाकी से आप जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ सब ऑप्शनल है. दिस इज़ हाउ आई लाइक टू डू माई मेकअप. लेकिन अगर आपको इसमें से कोई स्टेप भी स्किप करना है या नहीं करना या करना है या कोई एक्स्ट्रा स्टेप जो आप करते हैं मैं नहीं करती, आप ज़रूर वो कर लें. बेसिकली जो है हमारी स्किन हम चाहते हैं कि बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाए ताकि उसके ऊपर जो है सारा मेकअप स्मूथली हो जाए. तो इसी तरह से बस मैं अपना बेसिकली एवरीडे का जो मेकअप होता है मैं इसी तरह करती हूँ. मोस्टली जो फोकस होता है वो मेरे बेस पर होता है कि मेरी स्किन जो है वो बिल्कुल फ्लॉलेस लगे और यू नो कोई यू नो डार्क सर्कल वगैरह ना लगे और अपने मेरे जो एक्नी वगैरह है वो कवर हो जाए, ना कि नॉट दैट कि मेरे चेहरे पे इतनी ज़्यादा कोई एक्नी है. तो बस अब मैं ब्लश लगा रही हूँ विच इज़ इट लुक्स रियली रियली गुड स्पेशली इन द विंटर.
और थोड़ा सा अपनी नोज़ पे भी लगा रही हूँ क्योंकि आजकल ये ट्रेंड लगा चला हुआ है कि थोड़ा सा आप नोज पे लगा लेते हैं थोड़ा सा यूथफुल जो है लुक आ जाता है, ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी ठंड लग रही है और आपकी नाक लाल हो गई है, तो इस तरह से आप नोज़ पे अपना ब्लश लगा लें तो नेचुरली ऐसा लुक आ जाता है विच लुक्स रियली नाइस। अभी बस मैं हाईलाइट लगा रही हूँ, हाईलाइट जो है मैं बिल्कुल हल्का हल्का लगा रही हूँ, नॉट टू मच। मैं चाहती हूँ कि मेरा चेहरा वैसे ही ग्लो करे और हमने वैसे भी इस पर ग्लोइंग वाला जो है पाउडर लगाया है, नहीं चाहती कि टू मच हाईलाइट लगाऊं। और वैसे भी मुझे हाईलाइट इतना ज़्यादा ओवर द टॉप पसंद नहीं है, मैं लाइटली हाईलाइट ही यूज़ करती हूँ, नॉट टू मच। पॉइंटिंग हाईलाइट्स वगैरह मुझे इतने पसंद नहीं है। अभी बस मैं अपना ब्लश जो है और बाकी सारा फेस जो है ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई स्ट्रीक्स वगैरह ना हो पूरा फेस जो है। ये एक टिप है कि आप ब्लश ब्राउज़र हाईलाइट लगाने के बाद एक दफ़ा ज़रूर इस पर पाउडर वो कर लें ताकि आपका चेहरा जो है ब्लेंड हो जाए अच्छे से। आई मेकअप आप चाहें तो फेस को यहाँ छोड़ के आप सिर्फ लिपस्टिक लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो है आई मेकअप तो मुझे ज़रूर करना है, मुझे बहुत पसंद है आई मेकअप करना और काफ़ी सारी मेरे पास पैलेट्स भी हैं जो कि यूज़ करनी है। मैं यूज़ कर रही हूँ एनास्टासिया के बेवरली हिल्स की पैलेट और बस वो जो क्रीज कलर है वो हम लगा लेंगे अपनी आईज़ पर। आप चाहें तो कोई सा भी क्रीज कलर लगा सकते हैं और ये जो है हम लोग बस अपनी आईज़ पर ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से बिल्कुल। आई मेकअप करने के लिए जो है ब्लेंडिंग इज़ द की, आपने ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है, ब्लेंड ब्लेंड करते रहना है एटलीस्ट 1 to 2 minutes ताकि जो है आपके बाकी जो शेड्स वगैरह हैं वो अच्छे से आपके जो है आई पे सेट हो जाएं। और बस अभी मैं जो है ब्राउन कलर का जो शेड है उसको मैंने लगा लिया है और अभी भी देखिए आप में ये बिल्कुल नेचुरल टाइमिंग है, मैंने इसमें कोई फास्ट फॉरवर्ड वगैरह कुछ नहीं किया है, दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आई डू इट इन रियल लाइफ, उसी तरह से मैं करती हूँ। एक्चुअली हम जा रहे थे मेरी भाई के घर तो वहाँ पर मैंने ये मेकअप करा था सुबह के वक्त और अभी उसके अंदर जो है शैम्पेन कलर है। एवरी डे जो का जो मेकअप है वो मैं इसी तरह ही करती हूँ, एक ब्राउन कलर का या कोई टोपी कलर का जो है क्रीज के अंदर मैं अपना शेड लगा लेती हूँ, होल लिड के अंदर कोई कोई समटाइम्स गोल्ड समटाइम ब्रॉन्ज और जो है शैम्पेन टाइप की कलर जो है पूरे लिड पे लगा लेती हूँ, तो इससे क्या होता है टू मच मेकअप भी नहीं लगता, बहुत लेस मेकअप भी नहीं लगता, इट लुक्स परफेक्ट, जो कि बिगिनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो कि लोगों को आता नहीं है ज़्यादा मेकअप यूज़ करना या उनको पता नहीं है मेकअप पैलेट्स वगैरह कैसे यूज़ करें। सेफ वे टू गो लाइक परफेक्ट वे सेफ वे कि आप सिर्फ एक जो है ब्लेंडिंग शेड ले लें जिस तरह आपको पसंद है, लाइक इट कुड बी ब्राउनिश और पिंकिश काइंड। और अभी जो है इसके अंदर एक शैम्पेन कलर है वो मैंने इनर कॉर्नर्स पे लगा लिया है। इनर कॉर्नर्स पे शेड लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि आपकी आईज़ जो है ओपन लगती हैं और ब्राइट लगती हैं और एंजेलिक टाइप का लुक आ जाता है विच आई रियली लाइक। तो और आपकी जो आईज़ हैं वो बहुत ब्राइट लगती हैं और एक आंख पे बहुत ज़्यादा ही लग गया तो उसको बस मैं थोड़ा कम करने लगी थी। अभी इसको ना लुक लाइक काइंड ऑफ टू मच बट अगर हम लोग आई लाइनर मस्कारा लगा देंगे तो इसको ना गो ब्लेंड वेरी वेल। तो दिस इज़ लाइक अ सिंपल एवरी डे काइंड ऑफ लुक। अभी बस मैं आउटर कॉर्नर्स में थोड़े डीप करूँगी, आप चाहें तो अपना आई मेकअप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यू नो मी तो बस ओवर द टॉप आई हैव टू गो एंड आउटर कॉर्नर्स जो है मैं बस थोड़े से डीप कर रही हूँ, आप चाहें तो ना करें, आप चाहें तो आप ज़रूर मुझे आई मेकअप फॉलो कर सकते हैं। एक ही पैलेट मैंने यूज़ की, अलग अलग पैलेट्स नहीं यूज़ की, एनास्टासिया की मॉडर्न रेनेसांस मैं यूज़ करी है और बस मैं आउटर कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से डीप कर रही हूँ, लगते हैं ज़्यादा डीप नहीं के टू मच, जस्ट टू मेक इट लिटिल स्मोकी टाइप, थोड़ा सा स्मोकी टाइप करनी है इस तरह से बस, अदरवाइज नॉट टू मच। अब मैं नेक्स का जो है लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये लाइनर पहले बहुत अच्छा था लेकिन अचानक से पता नहीं इसको क्या हो गया है, अपने साथ है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट गोना रीबाय इट, अगर मैं दोबारा परचेज इसको नहीं करूँगी क्योंकि पता नहीं इसको क्या हो गया है और आई डोंट लाइक इट एनी मोर। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का मस्कारा, आई रिसेंटली गॉट इट फ्रॉम टीचर मैक्स एंड इट्स वेरी गुड थिंग कि इसके अंदर दो वांड्स हैं, एक जो है अपर लैशेज़ के लिए है और एक जो है लोअर लैशेज़ के लिए है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू कोट माई लैशेज। एवरी डे लाइफ में जो है मैं लैशेज़ वगैरह नहीं पहनती हूँ, सिर्फ मस्कारा लगा लेती हूँ और लाइनर, और पार्टी वगैरह होती है तो फिर मैं लैशेज़ वगैरह ऑफकोर्स लगाती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी बेस लुक्स रियली नाइस एंड फ्लॉलेस एंड आई लव इट।
और पोर्स वगैरह जब मेरे कवर हो और देख सकते हैं ये छोटी सी वन है बिल्कुल क्यूट। मैं बहुत लगाते मैं इसको डर रही थी क्योंकि पहली बार मैं लगा रही हूँ इतनी छोटी सी वन अपनी लोअर लैशेज में, हमेशा वरना मैं जब यूज़ करती हूँ वही मैं लोअर लैशेज के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो इट्स नॉट बैड, आई हैव टू जस्ट गेट यूज्ड टू इट। और ये कलर पॉप की जो अल्ट्रा ब्लॉटेड लिपस्टिक है मैं वो लगा रही हूँ, इट्स रियली रियली गुड, आई लव इट। जिससे मैं लेकर आई हूँ मैं इसके अलावा कोई लिपस्टिक लगाती ही नहीं हूँ क्योंकि दिस लिपस्टिक इज़ नॉट फुल कवरेज और लाइक मैट तो है लेकिन नो ऐसा लगता है कि जैसे आपने काफ़ी टाइम से लगाई हुई लिपस्टिक और लेकिन ये कि आप आई डे भी लगा रहे हो लाइक थिन आउट हुई हुई है विच रियली आई रियली लाइक इट। इसका जो लुक है मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप चाहें तो सिर्फ अंदर मिडल में लगा के उसको हाथ से ब्लेंड कर ली तो यू नो जो चाइनीज टाइप का जो लुक होता है वो आ जाएगा, लेकिन मुझे अपने पूरे लिप्स में लगानी होती है क्योंकि थोड़ी देर बाद इसको वैसे भी फेड हो जाना है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट, दिस इज़ द कम्प्लीटेड मेकअप लुक। हम सेट कर देंगे अपना होल फेस, आप चाहें तो कर सकते हैं चाहे तो ना करें, मुझे अपना होल फेस जो है सेट करना अच्छा लगता है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेट इट विद लोरियल का जो है मिस्टिंग स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे, दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग। द होल वीडियो ये जो है नेचुरल टाइमिंग है, मैंने इसमें कोई फास्ट फॉरवर्ड वगैरह कुछ नहीं किया है। दिस इज़ द कम्प्लीटेड लुक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू गाइस एंजॉय दिस मेकअप लुक। मैं बस लिटिल हाईलाइट को अपने जो है कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी फेड हो चुका है ऑलमोस्ट, सो आई एम जस्ट लाइक टचिंग इट अ लिटिल बिट मोर। सो या एट द एंड जब आपका पूरा मेकअप हो जाए तो आप जस्ट कीप गो बैक एंड यू नो फिक्स, अगर आपको कुछ फिक्स वगैरह करना है तो या एंड आई एम जस्ट मैं अपने जो है हाईलाइट को है वो भी आई मीन जो ब्लश है उसको भी थोड़ा टचअप कर रही हूँ हाईलाइट को एंड दिस इज़ अबाउट इट। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं मैं दोबारा से मैंने उसके ऊपर एक पाउडर ब्रश फेर दिया है ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सो या दिस इज़ द कम्प्लीटेड लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।